किससे शुरू करते हैं कि जिंदगी क्या है। हमारा डिस्कशन शुरू करने के लिए क्या सवाल है, है ना? शुरू करने के लिए मुझे पता है मैं जिंदा हूँ और मुझे पता है मैं बहुत सारे सेल्स से बना हुआ हूँ, बल्कि सिर्फ मैं ही नहीं लेकिन सारे ऑर्गेनिजम्स जिनमें एलिफेंट, मैंगो ट्रीज, फिशेस, प्लांट्स, फंगाई और बैक्टीरिया शामिल हैं, और ये सब सेल्स हैं, एक सेल या एक साथ बहुत सारे सेल्स, ठीक है? अभी तक शायद जिंदगी और सेल्स के बीच में कोई रिश्ता है, तो चलिए एक को देखने से शुरुआत करते हैं। अगर आप सेल में से डीएनए निकाल लेते हैं तब क्या आप उसे जिंदा समझेंगे, या फिर अगर आप सेल के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को देखते हैं आप उन्हें जिंदा समझेंगे? सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन्स, राइबोसोम्स, पानी, इनमें से कोई भी कंपोनेंट जो सेल बनाता है उसे जिंदा नहीं समझा जा सकता है, है ना? अलग अलग ये सब नॉन लिविंग केमिकल कंपोनेंट्स हैं, लेकिन अगर आप बेसिक इंग्रेडिएंट्स का सही मिश्रण साथ मिलाते हैं और उन्हें सही कंडीशंस देते हैं तब कुछ गंभीर होता है, वो जिंदगी बनाने के लिए साथ में आते हैं। दिलचस्प है ना? मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जाकर मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट देखें ये जानने के लिए कि अर्थ में जिंदगी को मुमकिन करने के लिए क्या हुआ होगा। लेकिन फिर भी आज साइंस और टेक्नोलॉजी के इतने आगे बढ़ जाने के बावजूद आज तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं आया है जिसमें लाइफ सिर्फ इंडिविजुअल केमिकल्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स से बनाई गई हो। इसलिए इससे ये पता चलता है कि शायद सिर्फ अकेले ये नॉन लिविंग चीजें नहीं, बल्कि ये नॉन लिविंग चीजें जो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी करती हैं जब वो साथ में आती हैं उसे हम लाइफ कहते हैं। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ। इसमें हर यूनिट नॉन लिविंग है, ओके? क्या होगा अगर मैं इसे मोशन में रख दूं? गेंद अपना सफर शुरू करेगी, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी होती है, दूसरी से तीसरी एक्टिविटी होती है जो दूसरे के साथ मिलती है जिससे चीजें मोशन में आती हैं, आखिर में ट्रिगर सेट होता है जिससे बल्ब चलता है। लेकिन अब अगर आप एक स्टेप पीछे आकर इसे देखेंगे ऐसा लगेगा जैसे पूरा सिस्टम एनिमेटेड या जिंदा है, भले ही हमें पता है कि ये मशीन जिंदा नहीं है। हम लाइफ को टेक्निकली डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हमने लाइफ फॉर्म्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी पिछली क्लासेस में सीख लिए हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक सारे लिविंग रेल्म में देखे जाते हैं। आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया जैसे जीता है वो हम जैसे जीते हैं उससे एकदम अलग है। वो सच हो सकता है लेकिन वो सिर्फ सरफेस पर है। अर्थ पर सारी जिंदगियों की बॉटम लाइन सिर्फ दो सवाल है, बाकी सब जो आप देखते हैं वो इन दो प्रमुख प्रक्रियाओं के साइड स्टेप्स का परिणाम होता है, क्योंकि ये प्रक्रियाएं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में लागू होती हैं, इसलिए हम इन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। सवाल ये है कि मैं अपनी कॉपीज कैसे बनाऊं, जिसका ये मतलब है मैं कैसे रिप्रोड्यूस करूं और अपने आप को कैसे खिलाऊं। ये दो सवाल सारे लाइफ प्रोसेसेस को शामिल कर देते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया, पेड़, मच्छर, कॉकरोचेस, आप और मैं अस्तित्व में हैं। आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में गहराई में अगले चैप्टर में सीखेंगे। अभी के लिए हम इस सवाल पर ध्यान देते हैं कि मैं अपने आप को कैसे खिलाऊं।